जैसे कि मैंने पिछले आपके वीडियो में बताया था एक पीपीटी के थ्रू कि मैं एक रूम का इंटीरियर करने वाला हूँ, तो उस रूम के बारे में मैंने बताया था कि आपको मैं एक सिंगल लाइन से एक पूरा रूम का इंटीरियर मैं कैसे करता हूँ ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि मैंने पिछले आपके वीडियो में बताया था एक पीपीटी के थ्रू कि मैं एक रूम का इंटीरियर करने वाला हूँ, तो उस रूम के बारे में मैंने बताया था कि आपको मैं एक सिंगल लाइन से एक पूरा रूम का इंटीरियर मैं कैसे करता हूँ ये मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पीपीटी खोल ली है। ठीक है, तो ये है हमारी पीपीटी। ये मेरे पास रूम का साइज़ है, तो मैं पहले इसे लेआउट कर लूँगा अपने उस पर। ठीक है, अगर आपके पास ऑटोकैड फाइल है तो आप ऑटोकैड के थ्रू भी कर सकते हैं। वो हम यहाँ पे एक उस रूम को बनाने वाले हैं, तो सिंपली मैं एक पहले रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल सा रेक्टेंगल। मैं उसके बाद मैं बनाने की कोशिश करता हूँ इधर से साइड से। इससे पहले जो हमारा मेन है वो है 13 फुट 9 इंच, ये हो गया। उसके बाद एक पूरी लाइन डाल देते हैं। ये हमारी हाइट है, ये 14 फुट है इधर से, 14 फुट इधर। ये सीधी लाइन थी, नहीं है, गलत लाइन हो गई। ये 14 फिट है। ठीक है, आपको मैं बनाकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे आसानी होती है। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप बनाने की कोशिश करें पहले, इससे आपका हाथ साफ होगा और आपको परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको इम्पोर्ट करने का भी तरीका बता चुका हूँ इसके पिछले वीडियो में, शॉर्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि किसी भी ऑटोकैड फाइल को स्केचअप में इम्पोर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट करें। तो ये मैंने 4.5, ये हो गया। अब यहाँ से 6 फुट का बाथरूम है, 6 फुट, एंड इसे हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। ये 8 फुट हो गया, इसकी दीवार हो गई 4.5 की, एंड ये हो जाएगा यहाँ से 30 इंचेस का डोर। यहीं पे कंप्लीट। उसके बाद ये 3 फुट का डोर बेसिक। अब यहाँ पे जैसे भी उनका था, हमें ये तो करनी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दिखा दे रहा हूँ। 2 फुट का कवर्ड हो गया इनका। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं लाइन को कॉपी कैसे कर रहा हूँ। मैं हालांकि जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। अब मेरी पिछली शॉर्ट वीडियोस में, 1 मिनट वीडियोस में देखेंगे तो आपको प्रॉपर मिलेगा कि मैं लाइंस को कॉपी कैसे करता हूँ और छोटी छोटी जो ट्रिक्स हैं वो मैं कैसे फॉलो करता हूँ। ठीक है, ये 4.5 इंचेस एक्स्ट्रा, एंड उसके बाद ये 3 फुट 3 इंच का इनका डोर है। ये लगता है ज़्यादा हो गया है, 6 फुट का हो गया ये। दो फुट 9 इंच। ठीक है, तो ये हमारा डोर हो गया। अब जो विंडो है, उनकी विंडो तो वहाँ पे छोटी थी, लेकिन जो मैंने प्रपोजल में दिखाया था वो बड़ी विंडो थी और स्लाइडिंग थी, मैंने बनाई थी उसे। तो हमने उसे 8 फुट का विंडो रखा है सेंटर में। ठीक है, तो ये विंडोज़ के लिए हमारे स्पेसिंग हो गई। ये विंडो अब हमारे 8 फुट की है। ठीक है, चलिए, तो इसकी हाइट जो है वो 10 फुट है, तो मैंने 10 फुट ले लिया है। ये भी 10 फुट है। ठीक है, उसके बाद ये मैं इन्हें 9 इंचेस बस ऊपर रखूँगा। ठीक है, डोर्स की हाइट जो है वो 2 फिट है, तो मैं
इन सबको एक ही बार में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जगह, ये और ये 8 फुट का है, 2 फुट। तो अब मैं इनके सर जोड़ देता हूँ, ये भी हमारे पास है। ठीक है, जो भी आपको डायमेंशन में दिक्कत हो कि मैं कितनी ले रहा हूँ, क्या है कि मैं जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर ये वीडियो खामखा में बहुत लंबी होगी। ठीक है, तो आप देखें कि बेसिक स्ट्रक्चर मेरा तैयार हो गया है कि मुझे रूम्स में क्या करना है। ठीक है, ये मेरा रूम्स का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है बिल्कुल। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं इसे डेस्कटॉप पे बेडरूम के नाम से सेव करता हूँ। ठीक है, तो हम इसके टॉप व्यू पे हैं। अब देखिए, अभी तो जैसे ये है, तो अब मुझे इसे सबसे पहले तो कोई कलर कर देना चाहिए। तो मैं इसे इस तरीके से सेलेक्ट करता हूँ पूरा, आप देखेंगे, और मैं मटेरियल में जाऊंगा यहाँ पे एंड कलर्स में, कलर्स में ही सबसे नीचे जाएंगे। ये देखिए, मैं वाइट कलर यूज़ कर लेता हूँ, जैसे ये जो है तो ये पूरा वाइट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब सबसे पहले तो एक एक चीज़ को यहाँ ले आए, या तो जैसे कि मैं अपने बेड्स वगैरह ले आऊँ और फिर चीज़ें बनाऊँ। तो उसके पहले मैं डोर बना लेता हूँ और विंडोज़ बना लेता हूँ। डोर विंडोज़ बिल्कुल इजी है, मैं बनाऊँगा, मैंने बनाने की वीडियोज़ तो दे रखी है, आप पीछे मेरी वीडियोज़ में चेकआउट करेंगे स्किल बूस्टर में, तो उसमें आपको डोर विंडोज़ बनाने का भी वो है, मैंने हैंडल्स वगैरह भी बना के दिखाई। लेकिन मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा क्लिक चेंज, इसमें मुझे एक डोर मिलेगा, जैसे ये डोर है, और एक विंडोज़ मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, एक विंडोज़ ले लिया मैंने। इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, अब दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये डोर है, अभी तो ये साइज़ में छोटा लग रहा है, लेकिन मैं इसे प्रॉपर इसके साइज़ का स्केल कर सकता हूँ यहाँ पे। और देखिए, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ता, जैसे अदर अगर मैं कोई नॉर्मल कंपोनेंट लगाता हूँ यहाँ पे, तो उसे चेंज करना पड़ता है स्केल करने के बाद, उसकी और चीज़ें का साइज़ बदल जाता है या ऐसी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मल सा रूम लगाया, और इसके बाद आप देखेंगे एक चीज़ और कि जैसे ये डायनेमिक हैंड है, ठीक है, डायनेमिक हैंड को मैं जैसे ही इसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये डोर खुल गया। आप देख रहे हैं इस चीज़ को, अगर आपको लग रहा है कि ये बाहर की ओर खुल रहा है, कमरे के अंदर खुलता है, तो इसे हम फ्लिप कर देंगे। ये हालांकि रेड की तरफ नहीं होगा, ग्रीन में फ्लिप ग्रीन। ठीक है, तो अब जब मैं इसे डायनेमिक हैंड से अप्लाई करूँगा, तो आप देखिए कमरे के अंदर की ओर रूम डोर खुल रहा है। ठीक है, और आप बाद में इस पर अपने डोर पर जो भी डिज़ाइन देना चाहते हैं वैसा दे सकते हैं। और विंडो भी इसी तरीके से है, ये विंडो है, स्लाइडिंग एरिया हमारा अंदर होगा, तो मैं पहले इसे रोटेट कर लेता हूँ। ठीक है, 90 रोटेट कर लिया, इसे हम अंदर के फेस पे ही रखेंगे। ठीक है, अब आप इसे देखना, जैसे ये तो मैंने खींचा इसे, अभी आपको देखने में लग रहा है कि स्केल ख़राब हो गया, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा इसका स्केल प्रॉपर है, एंड हाइट भी उसी तरीके से प्रॉपर हो गई। अब बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने आपको दिखाया था कि 3 ट्रैक विंडोज़ है मेरे उसमें, है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसमें मैंने आपको 3 ट्रैक विंडो दिखाया है, 1 2 3, लेकिन अभी तो ये बिल्कुल एक है, मतलब ये फिक्स है, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे क्लिक किया, ये देखिए अब ये 2 ट्रैक हो गया, ये 3 ट्रैक विंडोज़ हो गए, तो मेरे लिए ये चीज़ें आसान हो गई।
मैं अगर नॉर्मली इसे बनाने जाता हूँ कंपोनेंट को, तो बहुत टाइम लगता कि मैं कंपोनेंट बनाता, फिर टू ट्रैक करता, थ्री ट्रैक करता, या सिंगल कुछ भी करता, एनीथिंग, ठीक है। तो अब ये है, इस पे अगर आपको चेंज करने हैं, मटेरियल चेंज करना है, तो हम कोई बात नहीं, मटेरियल लास्ट में चेंज करेंगे, पहले हम ले आते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब इतनी चीज़ें बेसिक है, बहुत है। हम अब फर्नीचर्स लाएंगे यहाँ पे, तो मैं एक एक करके फर्नीचर्स लाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो मैं फर्स्ट इंपोर्ट करता हूँ यहाँ से फर्नीचर। हाँ, ये फर्नीचर्स पहले से मैंने, आप या तो पहले से इसे बना के रख सकते हैं, या तो फिर कंपोनेंट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कंपोनेंट, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए कंपोनेंट में कुछ चीज़ें पहले से ही होती है, जैसे यहाँ एक बेड है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपका बेड बाहर आ जाएगा। जैसे ये देखिए, मैंने क्लिक किया और बेड बाहर आ गया। हालांकि मुझे ये बेड नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसे हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हमने तो इसके लिए दूसरा बेड सेलेक्ट किया है। उसी तरीके से अगर आपको इनमें से कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती है, कोई और चीज़ें चाहिए, तो आप इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिए अपने लैपटॉप या पीसी में। उसके बाद आप यहाँ क्लिक कर, यहाँ फिर वेयर हाउस में कुछ भी लिखिए, जैसे बेड हो गया, डोर विंडोज़ हो गया, टीवी यूनिट हो गया, एनीथिंग कुछ भी लिखेंगे, तो आपको यहाँ पे इसी तरीके से शो करेगा और आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पीसी में इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने पहले से ही वो कर रखा है, तो इंपोर्ट स्केचअप फाइल, डेस्कटॉप पे पीपीटी के अंदर ही मैंने रखा है अपना ये बेड, तो मैं बेड को इंपोर्ट कर रहा हूँ। ये देखिए बेड आ गया, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मैं रैंडमली रख देता हूँ चीज़ें, और चीज़ें जो मुझे इंपोर्ट करनी है, मैं वो भी कर लेता हूँ। जैसे इंपोर्ट मेरी चेयर है, ये चेयर भी आ गई है, हालांकि मुझे ये चेयर नहीं चाहिए, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं यही चेयर लगाऊंगा, मैंने बाद में सोचा कि इसी को लगाते हैं। फिर तो उसके बाद अब मुझे इंपोर्ट करना है इसका टीवी यूनिट, ठीक है। फाइल इंपोर्ट टीवी यूनिट, तो ये हमारा टीवी यूनिट हो गया। इसे मैं फ्लिप कर लेता हूँ, आपको पता है ना फ्लिप और रोटेट। अब देखिए जैसे ये फ्लिप है, अगर आप देखें अभी, तो ये तो आपकी ब्लू लाइन हो गई, ये ब्लू लाइन, जैसे ये खड़ी है, तो ये ब्लू लाइन है और ये ग्रीन लाइन हो गई। अगर मैं इसे फ्लिप करता हूँ, मैं मुझे इसे पीछे करना है, तो ये मतलब किस पे होगी, ग्रीन लाइन पे होगी, तो फ्लिप एंड ग्रीन करूँगा, तो ये देखिए आप चेंज होगी। अगर मैं इसी को, जैसे अब ये इधर है, मुझे ये इधर नहीं चाहिए, और ये है रेड लाइन पे, ठीक है, ऐसे। तो अब मैं इसे फ्लिप करूँगा, फ्लिप रेड, तो आप देखिए ये चीज़ इधर हो गई। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इसे आप फ्लिप, हम नॉर्मली में मिरर भी कह देते हैं कि मिरर करना आसान है। जैसे अब मैंने इसे फ्लिप किया, तो इट्स एक तरीके से मिरर हुआ, ठीक है। तो मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इससे आगे की ओर है, जैसे कि मैंने पीछे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया। तो मुझे प्रॉपर यहाँ तो नहीं रखना, अब इसे इधर रखना है, तो ये एडजस्टमेंट मैं कर लूँगा, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद वाले एरिया में मैं यहाँ पे, मुझे स्टडी टेबल, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, ये जगह स्टडी टेबल के लिए है, तो मैं यहाँ स्टडी टेबल डाल दूँगा। तो स्टडी टेबल के लिए मुझे 4 फुट का स्पेस चाहिए और 2.5 फुट हाइट होती है, आप इस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये मैं 2.5 फुट लेता हूँ, 30 इंचज़, ताकि नॉर्मली उस पर बंदा वर्क कर सके, और 4 फुट आगे तक जानी है, 4 फुट एंटर, ठीक है। ये मेरा रहेगा 1.5 इंची का होता है, 1.5 इंच, ठीक है, एंड इधर से भी ये 1.5 इंच, 1.5 इंच, ये नीचे तक होगा। इसे उन्हें जो हमारे क्लाइंट है, उन्हें लैपटॉप यूज़ करना है, तो हम उन्हें 18 इंच का स्पेसिंग देंगे, 18 इंच,
या फिर 21 इंचेस देते हैं, ठीक है। 21 इंचेस में वो लैपटॉप अच्छे से वर्क कर सकते हैं फंक्शन, ठीक है। तो अब देखेंगे कि इन दोनों के बीच में गैप्स बचा हुआ, तो अब मैं इस चीज़ को यहाँ फिल करूँगा इसके साथ, ठीक है। तो आप नॉर्मली, एक तो ये है कि हम इसे सिलेक्ट कर लें और इसे स्केल कर लें इधर सीधा, ऐसे, ठीक है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे, है ना। मुझे यहाँ पे स्टडी टेबल के साथ स्टोरेज भी देनी है, तो मैं क्यों ना इसे फ्लिप कर दूँ। फ्लिप, अब ही मुझे अब रेड की साइड देखनी है। आप देखेंगे बाहर तो ये रेड की साइड है, तो मैं इसे फ्लिप करके रेड की तरफ कर देता हूँ, ताकि जो ये नीचे का स्टोरेज है वो उनके वर्किंग में भी काम आए, ठीक है। तो मैं अब इसे चीज़ को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो यहाँ पे बॉक्स बनेगा वो इसके भी काम आएगा, ठीक है। तो मैं इसे और बाहर कर लेता हूँ इसके बराबर, ठीक। तो अब देखते हैं ये जगह कितनी है। ये लगभग 2 फुट 3 इंच है, तो ये बहुत है, ठीक है। तो मैं इसी में इसे कट करके फिर सॉल्व कर लेता हूँ। 1 इंचेस इधर, 1 इंचेस ये हो गया, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रॉपर हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो अब ये इस तरीके से है, तो अब ये इनके स्टडी टेबल के उसमें भी आ जाएगा, जैसे ड्रॉर्स वगैरह यूज़ करनी है तो, ठीक है। सामने टीवी यूनिट हो गया है और ये ड्रॉस हो गई हैं। अब इसे हम थोड़ा छोटा भी कर लेंगे टीवी यूनिट को तो चलेगा ना। ऐसे 4 फुट है उनके बैठने के लिए, इनफ होता है 4 फुट किसी भी उसके लिए। तो ये अब उन्हें प्रॉपर 2 फुट 2 इंच की लगभग बनती है, ठीक है। ये तो हमने लगभग सेट कर लिया है कि टीवी यूनिट इस तरीके का होगा, ठीक है। अब बेड को सेंटर में करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो बेड होता है हमारा, उसे पकड़ने के लिए कुछ बना लेते हैं, जैसे कि ये जो दोनों पैर हैं उसके बीच में एक लाइन कर ली और एक और लाइन और डाल ली ऐसे। तो अब मुझे बेड को इधर उधर से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बस इसे पकड़ूंगा, और ये इसके कमरे के सेंटर में आ गया ना। और सिंपली इसे इधर किया
बेड हो गई वॉल से टच, है ना। और ये देखिए वो बेड के पीछे हमें क्या करना है, तो बेड के पीछे हम वॉलपेपर लगाएंगे। आप देखेंगे कि अभी ये कितने फुट का है, हम चौड़ाई हम इसके देखेंगे, हम सेट करेंगे सारी चीज़ें। उन्हें एक किंग साइज़ का बेड चाहिए, तो ये अभी 5 फुट का है, तो हम इसे करेंगे 6 फुट का। ठीक है, तो अब इसे हमें पकड़ के इसे नॉर्मली स्केल कर दूंगा, 5 फुट 9 इंच, 6 फुट 1 इंच हो गया लगभग। ठीक है, इतना काफ़ी है, ठीक है, ये हो गया। अब एक बार इस साइड से भी चेक कर लेंगे कि ये कितनी है। ये लगभग है 6 फुट 7 इंच, जो कि थोड़ा पीछे और आगे मिला के काफ़ी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चेयर हमारी यहाँ आएगी, इसे मैं चेक करता हूँ ऑल हिडन पार्ट्स इसके, क्योंकि ये अच्छा मैं नॉर्मली इसे एक्सप्लोर कर देता हूँ। तो ये हो गया, इसे रोटेट करते हैं। हमने इसकी पोजीशन दी है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें हमने इसे जगह दी है, यहाँ से हम रखेंगे इसे 3 फुट 3 इंचेस, यहाँ उसके बाद 6 फुट यहाँ। ठीक है, तो हम इसे यहाँ ले आएंगे, यहाँ गया यहाँ, अभी बेड और टीवी लगभग सेंटर में है। मैं इसे 3 इंच और इधर कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और जो ये है इसका साइज़ हम सही कर लेते हैं, ये हमारा होगा 2 फुट का, 2 फुट 3 इंच रख लेते हैं। एंड जो डेप्थ होगी वो होगा 2 फुट 6 इंच, ठीक है। तो अब जब हम इसे यहाँ सेट करेंगे तो आने जाने के लिए जगह भी बनेगी और चेयर भी फिट हो जाएगा, ठीक है। हम इसके लिए साइड टेबल बनाएंगे और हमें यहाँ पे अभी बुक रैक्स भी बनानी है, ठीक है। तो वो चीज़ हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी हो। अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी है तो आप मुझे मेरी दूसरी वीडियोस को भी चेकआउट करें, और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें, ठीक है। थैंक यू।